हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हैदराबाद एक बड़ा ही खूबसूरत राज्य है, लेकिन वहीं बहुत ऐसी जगह भी हैदराबाद में है जहां लोग रात में तो क्या दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। आपने हैदराबाद के हॉन्टेड घर कुंदन बाग की दिलचस्प कहानी तो जरूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी वीडियो कुंदन बाग को इस वीडियो के बाद जरूर देखे। फिलहाल शुरू करते हैं कहानी 1.5 लाख के घर की। दोस्तों, ये घर करीब 40 साल पुराना है, जो हैदराबाद के सीताफल मंडी में है। ये कहानी शुरू होती है 40 साल पहले, जब एक आदमी लक्ष्मण नाम का इस घर की जमीन को खरीदता है। लक्ष्मण काफी अमीर था और उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 3 बेटे थे। लक्ष्मण ने इस घर में कंस्ट्रक्शन कराई और सारी फुल एंड फाइनल कॉस्ट इस घर की बनने में 1.5 लाख आई। उस समय 1.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था और उसी के बाद इस घर का नाम पड़ गया 1.5 लाख का घर। सब लक्ष्मण के परिवार वाले खुश थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस गृह प्रवेश होना बाकी था इस 1.5 लाख के घर में। लेकिन इन सब में एक ग्रहण की तरह कंस्ट्रक्शन के दौरान एक हादसा हुआ जिसने घर पर ग्रहण लगा दिया। लेकिन लक्ष्मण एक खुले विचार वाला आदमी था और वो भूत प्रेतों शगुन अपशगुन में नहीं मानता था। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी, लेकिन अगर उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद वो बच सकता था। लेकिन कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में लक्ष्मण इतना बिजी था कि उसने लापरवाही कर दी और मजदूर की मौत हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही हो गई। कंस्ट्रक्शन में मजदूर की पत्नी भी काम करती थी, जो इस हादसे से बहुत टूट गई थी। वो सारा टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पर रोती रहती थी। उसने एक दिन लक्ष्मण के आने पर लक्ष्मण से बात की। लक्ष्मण को लगा कि मजदूर की पत्नी पैसे लेकर मान जाएगी, पर मजदूर की पत्नी ने देखते ही देखते लक्ष्मण के सामने अपनी जान दे दी। लक्ष्मण को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस ये था कि कोई भी मजदूर मरे या जिए, उसे बस अपना घर तैयार चाहिए था। उसके बाद कई बार मजदूरों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक औरत के रोने की आवाज सुनी, जिसको उन्होंने लक्ष्मण को भी बताया, पर लक्ष्मण इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। जैसे तैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ, घर कंप्लीट होकर तैयार था। अब तक सब सही चल रहा था लक्ष्मण की लाइफ में और हादसे को भी 6 महीने हो गए थे। जैसे ही गृह प्रवेश में लक्ष्मण और उसकी फैमिली ने 1.5 लाख के घर में एंट्री की, तो लक्ष्मण की वाइफ को एक बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया और वो मर गई। लक्ष्मण इस हादसे से बहुत टूट चुका था और उसे अब एहसास हो गया था कि क्या गम होता है अपने को खोने का। लक्ष्मण का भी मन अब इस घर में वापस आने का नहीं था। इस घर को उसने कुछ दिन बाद लीज पर डाल दिया और एक स्टूडेंट ने इस घर को लीज पर ले लिया। लेकिन अब नेबर्स की कंप्लेंट आने लगी कि वो स्टूडेंट बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है। रात भर अकेला होने के बावजूद घर में जोर जोर से बातें करता है, कभी जोर जोर से रोता है, कभी इस घर से चिल्लाने की आवाजें आती है। और एक दिन उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। और ऐसी ही घटना यहाँ रहने वाले लोगों के साथ होती है। जो भी फैमिली यहाँ आती है वो यहाँ से किसी ना किसी को खोकर जरूर जाती है, किसी की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, वहीं कोई इस घर में आकर सुसाइड कर लेता है। लक्ष्मण को भी अब लगने लगा था कि शायद ये सब उस मजदूर की बीवी की मौत की वजह से हो रहा है और उसके बाद इस घर में कोई भी रहने नहीं आया। आसपास रहने वाले लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि इस घर में कुछ तो अजीब है। आसपास वालों ने एक औरत को कई बार टेरिस पर सफेद साड़ी में घूमते हुए देखा है। कई लोगों ने इस घर में रात 9:30 बजे के बाद कुछ तेज हवाएं महसूस की है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब लोगों को क्या लगता है, क्या लक्ष्मण की हुई लापरवाही की सजा यहाँ रहने वाले लोगों को भुगतनी पड़ती है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहाँ आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।